तो हुंकार देख रहे हैं आप। देखिए उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खराब प्रदर्शन वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने पार्टी संगठन और राज्य सरकार के बीच तलखी की अटकलों को हवा दी, जिसके बाद यूपी बीजेपी में लगातार गुटबाजी की खबर सामने आ रही है। अनबन की खबरों के बीच फिलहाल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डेप्यूटी सीएम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। और अब एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव खबर है इससे जुड़ी हुई कि यूपी में बीजेपी में चल रहे विवाद का पटाक्षेप हो गया है। खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी आलाकमान का पूरा समर्थन मिल गया है और अब तलवार दोनों डेप्यूटी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के ऊपर लटक रही है। खबर इससे जुड़ी यह भी है कि बीजेपी आलाकमान ने अपने नेताओं को यह साफ कर दिया है कि पार्टी में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता नहीं चलेगी, यानी कि साफ है कि बगावत करने वाले गुट को यह एक तरीके से झटका है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष क्या है, पहले जरा वार पलटवार देखिए, फिर उस पर बात करेंगे। ये शुद्ध रूप से अपनी आंतरिक लड़ाई और भ्रष्टाचार का बंटवारा करने के लिए दिल्ली गए हैं। माने केशव प्रसाद मौर्य जी तो अपना लगातार संघर्ष किया तब नेता बने, मुख्यमंत्री जी ने जो बैठ के बुलाई है, इसके बाद सख्त कार्रवाई होगी और उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा वही जो 6 महीने पहले रामराज था वो लौटेगा। 350 सीट लेकर के इस बार उत्तर प्रदेश में आएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता वो परेशान है, एक कुर्सी का झगड़ा है और कुर्सी की खींचतान में दिल्ली और लखनऊ के इंजन वो आपस में टकरा रहे हैं। जो डिप्टी सीएम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते थे, लेकिन वो क्यों नहीं बताते कि कैबिनेट की बैठक में क्यों नहीं जा रहे हैं? चर्चाएं चल रही है उसको लेकर ऐसा भाजपा उसी आधार पर आगे बढ़ रही है, लोकतंत्र में जय पराजय होती है, पूरी ताकत के साथ कमियों के सुधार की चर्चा। तो देखिए उत्तर प्रदेश में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, खासतौर से बीजेपी के अंदर। पहले जिस तरीके से ये कहा गया कि संगठन सरकार से बड़ा, अब बहुत सारी बातें योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर भी आ रही थी, डेप्यूटी सीएम का रोल भी अचानक से बहुत बड़ा नजर आ रहा था। लेकिन अब सारी चीजों पर लगाम इस लिहाज से क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आलाकमान इस बगावत से, कुछ नेताओं के इन तेवर से खुश नहीं है। और एक और चीज यहां पर साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में योगी तो जरूरी हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय उन सभी से करा दूं। पंकज श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता मनोज काका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। अश्विनी शाही भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त बीजेपी की तरफ से। और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी सर स्टूडियो में मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। मैं आज विजय जी शुरुआत आप ही से करती हूं। मतलब ये क्या तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है और एक मैसेज बहुत साफ है क्या कि उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बीजेपी की है तो योगी जरूरी हैं? फिलहाल जरूरी हैं और कोई संभावना मुझे नहीं लग रही है कि इस सब जो सत्ता संघर्ष काफी समय से चल रहा है, खासतौर से जो आपने लिखा शुरू में भी कहा कि ट्रिगर पॉइंट था उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में हार भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद से लगातार एक ऐसा माहौल बना और योगी जी के खिलाफ ये माहौल बनाने की कोशिश की कि उनकी वजह से हार हुई। तो पार्टी में डिस्कशन हुआ और योगी जी की तरफ से भी ये माहौल बनाया गया कि भाई अकेले उनकी जिम्मेदारी क्यों है, क्या उन्होंने उम्मीदवारों का पूरा नाम तय किए थे और किए भी थे तो क्या अकेले उन्होंने किए थे, संगठन की क्या जिम्मेदारी, ये सब करके और जो माहौल बना उसमें केशव मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी खासतौर से केशव मौर्य जी इस पूरी लड़ाई को लड़ रहे थे। अब स्थिति ये आ गई है जो मुझे आज की तारीख में लग रहा है, आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, बीजेपी के सारे दिग्गज नेता यहाँ मौजूद हैं, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री, पार्टी के अध्यक्ष और संघ के बहुत सारे पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बैठक में शायद कुछ फैसला हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि योगी जी को हटाने की चर्चा तो शायद है ही नहीं, केशव जी को कैसे सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाया जाए, क्योंकि उनको हटाने का भी एक जो है खतरा पार्टी को नजर आता है, जो चुनावों के नतीजे में आया कि ओबीसी वोट, पिछड़ा वोट इस तरह से खिसका, तो क्या केशव जी को आप हटा भी देंगे तो नुकसान नहीं होगा पार्टी को? तो अब एक रास्ता खोजा जा रहा है कि इस दोनों के बीच में कि योगी जी भी रहें और केशव जी को किस तरह से सम्मानजनक एक मौका मिल पाए, पद मिल पाए, जिम्मेदारी मिल पाए या जो भी व्यवस्था है उस पर, और कम से कम इस पूरे संघर्ष को अब युद्ध विराम तक पहुंचाया जाए। अभी युद्ध विराम हुआ नहीं है। आपको लग रहा है कि इस बैठक के बाद मिल जाएगी वो?
होना चाहिए, क्योंकि अब इसके आगे तो कुछ बचा नहीं है ना, अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए आप पार्टी के। बिल्कुल, और देखिए बड़ी खबर भी यही है इस वक्त कि जो बैठक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो बैठक में अभी सब मौजूद भी हैं। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी बैठक के लिए पहुंचे हैं, दोनों डिप्टी सीएम और योगी आदित्यनाथ भी वहां पर हैं। दो दिन तक हालांकि बीजेपी मुख्यमंत्रियों की ये बैठक चलेगी। अश्विनी शाही, आपका रुख करती हूँ, मतलब अब क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि कभी इस तरह की खबरें आना कि कार्यकर्ता नाखुश हैं, मंत्री तक इस तरह के बयान दे रहे थे, सीधे सीधे ये नुकसान बीजेपी को हो रहा था क्योंकि एक गलत मैसेज जा रहा था, तो वो क्लैरिटी मिल जाएगी क्या, उम्मीद इस बात को लेकर करें? नितिन जी, देखिए क्लैरिटी पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, ऐसा नहीं है। हाँ, किसी के विचार आ गए, अगर मान लीजिए कि अपेक्षाकृत कम परिणाम आए तो किसी का, कार्यकर्ताओं का थोड़ा सा जो है बैगर होना लाजमी है, कोई बात नहीं है। लेकिन कभी भी, अभी देखिए केशव जी के मुंह से भी आपने सुना था, कमल था, कमल है और कमल रहेगा। ये आपका सवाल जायज है, अच्छी बात है कि आप सवाल कर रहे हैं। आज देखिए अभी आप लोगों ने इसको दूसरे हिसाब से करना शुरू किया कि नहीं सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। हम लोग पहले से कहते रहे ऑल इज वेल है, मगर इस बीच में मजा लेने वाले हमारे इंडिया अलायंस के लोग थे, अपना घर इन लोगों को। देखिए हमारे यहाँ कहीं G23 का कुछ हुआ, कोई गठन हुआ, कपिल सिब्बल टाइप नेता के यहाँ कोई पत्थर NSY ने चलाया, ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सब कुछ एकदम फिट है, और सबसे बड़ा अब इन लोगों को अपनी चिंता नहीं है। अभी देखिए अखिलेश जी के जो है वो जन्मदिन पर किस तरीके से भावी प्रधानमंत्री लगा, पंकज जी को टेंशन होनी चाहिए, ये आपस में नहीं चीजों को देख रहे हैं। भावी प्रधानमंत्री अखिलेश जी हो जाएंगे, और अखिलेश जी के यहाँ देखिए मामला क्या चल रहा है कि अगर विधानमंडल दल का नेता नहीं बनाएंगे चाचा को, तो 17-18 कहीं जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो बड़ा समस्या है, वो अपनी घर नहीं देख के हमारे यहाँ के अफवाहों में पड़े रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, अध्यक्षीय प्रणाली है हमारे यहाँ, सर्वमान्य नेता जो भी अगर आदेश होता है सब लोग मिलजुल कर एक बात कर लेते हैं सर्वसम्मति से। अभी देखिए जिस तरीके से हल्ला उड़ाया गया बिना मतलब में कि वो यहाँ नहीं जा रहे हैं, वो वहां नहीं जा रहे हैं, प्रदेश कार्य समिति हुई थी, सब लोग थे, आज दिल्ली में बैठक हो रही है, सब लोग हैं। दिल्ली दौड़ अगर आपके नेता करेंगे तो हल्ला तो उड़ेगा ना, फिर आप ये नहीं कह सकते कि आप अपना परिवार, देखिए राजनीति आप भी करते हैं, वो भी कर रहे हैं। चलिए आप क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं, मैं पंकज जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। पंकज, यहाँ बीजेपी कह रही है कि आप लोग अपना घर देखिए, हमारी जो चीजें थी हम तो वो पूरी तरीके से सही कर रहे हैं और एक दो दिन में वो सारी चीजें सही हो भी जाएंगी। नहीं, बिल्कुल अश्विनी जी ठीक कह रहे हैं, सबको अपना घर देखना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी ने ये केशव प्रसाद मौर्य जी को लिख कर दिया कि वो कहें कि कार्यकर्ताओं के दिल में दर्द है या संगठन बड़ा है, ये हमारी ओर से कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। या मोती सिंह जी जो इनके MLC पूर्व मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि आज तक इतना करप्शन हुआ ही नहीं इस उत्तर प्रदेश में जितना करप्शन इस समय, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, हम लोगों ने तो लिख के नहीं दिया उनको। तो इनके अंदर इस समय एक सबसे करप्ट सरकार और भयानक अपराध के मामले में NCRB के आंकड़े देख लीजिए, माननीय योगी जी के लिए क्या क्या मीडिया में चलता है कि इतना कानून व्यवस्था और ये वो। अभी चार दिन पहले एक इनका पूर्व विधायक था, दो बार पूर्व विधायक रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उदयभान करवरिया, उसने सिविल लाइंस चौराहे पर प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था वहां पर AK-47 से समाजवादी पार्टी के एक विधायक की हत्या कर दी, उसको सजा हो गई, उम्र कैद की सजा हो गई, पर मोदी जी को उसका चाल चलन जेल में इतना बढ़िया लगा कि सजा के 4-5 साल के अंदर ही उसको रिहा कर दिया इन्होंने। तो ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये कह रहे हैं कि अपना घर देखिए। भाई हम अपना ही घर देख रहे हैं, हमारी चिंता है कि उत्तर प्रदेश बर्बाद हो रहा है आप लोगों की लड़ाई में। और ये सही बात है कि केशव प्रसाद मौर्य जी अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और पूरे उत्तर प्रदेश में एक ये माहौल था 2017 में कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बाद में पता चला कि नहीं, मनोज सिन्हा जी बनेंगे, और अचानक मनोज सिन्हा जी भी हटाए गए, योगी आदित्यनाथ को लाया गया, वो आपके आंतरिक मामला है, जिसको चाहिए बनाइए। लेकिन अगर आज केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम पिछड़ी और दलित जातियां ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तो पिछड़े नेताओं को तो स्टूल मिलता है केवल, तो वो आप देते हैं भाई, आप स्टूल देते हैं, आपके घर का मामला है, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, हम मजा नहीं ले रहे, हम चिंता कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो जिस तरीके से बेरोजगारों पर लाठियां वहां चल रही हैं, जिस तरह नीट में अभी लाखों घरों में मातम मचा हुआ है, और कह दिया गया साहब कि कोई कुछ हुआ ही नहीं है नीट में, कोर्ट से कह दिया गया, कोर्ट थोड़ी जांच करता है, आपकी एजेंसियां थी, उन्होंने जांच की, कहा साहब कुछ नहीं, सब ठीक है, नीट में कुछ नहीं हुआ, और लाखों लड़के परेशान हैं जिन्होंने अपना साल साल भर दो दो साल लगा के इम्तहान दिया है, वो परेशान है।
तो आप अपना घर संभालिए, हम अपना घर संभालेंगे, प्रधानमंत्री तो बनना ही है, उसमें कोई शक नहीं है, आप चिंता मत करिए, हम लोग तय कर लेंगे। चलिए ठीक है, रोहित अग्रवाल जी, जो और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, वो यही कह रहे हैं कि भाई इसमें हमारी चिंता का विषय ये है कि आप लोगों के इस आपसी झगड़े में, इस कुर्सी की लड़ाई में नुकसान जो हो रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता का हो रहा है, क्योंकि जब से रिजल्ट आए हैं तब से यही पार्टी के भीतर चल रहा है। चरिन जी, अच्छी बात है, चिंता कर रहे हैं विपक्ष वाला, विपक्ष को चिंता करनी भी चाहिए। अभी पंकज जी बता रहे थे उत्तर प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार है, तो ये दिल्ली में बैठ के स्टूडियो में क्या कर रहे हैं भाई, इंतजार कर रहे हैं, वहां से आवाज निकाल रहे हैं? अरे भैया आओ, रोडों पे उतरो, भ्रष्टाचार के सबूत दो, बताओ, आंदोलन करो। विपक्ष का नाम क्या है? विपक्ष का नाम क्या है? रोहित अग्रवाल आप भी बताओ। अरे मंत्री, मंत्री जो कह रहे हैं, मंत्री जो कह रहे हैं, उन्होंने इसलिए आए हैं, आपको भी बुलाया गया इसलिए आए, छह महीने पहले आप भी सड़क पर हमारे साथ थे, आज नहीं है, कोई बात नहीं, पर सड़क पर जिन्हें होना है वो है। जब हम विपक्ष में थे तो हम सड़कों पे थे, हम आंदोलन कर रहे थे, जो मुद्दे थे। अगर आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश लूटा जा रहा है भ्रष्टाचार के कारण, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार में डूब गया है, तो भाई साहब स्टूडियो में मत बैठो, जाओ सड़कों पे जाके आंदोलन करो, संघर्ष करो। विपक्ष रोहित जी, जैसे आपको आपको इस पैनल में बुलाया गया है, वही पैनलिस्ट बनकर यहाँ पर पंकज जी भी आए हैं, तो इस बात को हटाकर उसकी बात करते हैं। चलिए, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ना, भ्रष्टाचार की बात तो मंत्री तक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठकर सिर्फ मैं कह रही हूँ या विजय जी कह रहे हैं या सिर्फ पंकज जी कह रहे हैं, सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं। ऐसा है, यहाँ पे खाली पंकज जी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कांग्रेस की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, कि आपको सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, या खाली पंकज की बात तो ही कांग्रेस के अंदर है, बाकी कांग्रेस के अंदर कोई और कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस कार्यकर्ता विहीन हो गई है। अरे भाई, बाकी कार्यकर्ता हमको तो कहीं सड़क पे आंदोलन दिख नहीं रहा ना विपक्ष का, तो आंदोलन करिए ना, अगर भ्रष्टाचार है तो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम एसी केबिन में बैठना थोड़ी ना है। खाली आप अपने परिवार की बात कर रहे हैं कि हमारा परिवार सब ठीक नहीं हो पा रहा, हमारे परिवार पे नहीं हो पा रहा है, तो भाई साहब आप अपने परिवार के आगे जनता को भी देखिए और जनता की आवाज को उठाने के लिए सड़कों पे उतरिए। कांग्रेस के और भी अन्य कार्यकर्ता होंगे, चलिए पंकज जी को बुलाया, अन्य कार्यकर्ताओं को तो नहीं बुलाया आपने ना, दीदी के बात को घुमाइए मत, बात बिल्कुल क्लियर है कि ना कोई विपक्ष भी सड़कों पे नहीं उतरना चाहता, ये ट्विटर की राजनीति करना चाहते हैं और ये सिर्फ जनता के अंदर भ्रम पैदा करना चाहते हैं, और सरकार निरंतर जनता के हित में काम कर रही है और देश में उत्तर प्रदेश आज अपराध विहीन होता चला जा रहा है। आज जिस तरीके से योगी सरकार के बुलडोजर ने अपराधियों को कुचलने का काम किया है, खत्म करने का काम किया है, ये देश के अंदर नसीर पैदा हो रही है। यहाँ विपक्ष बैठ के खाली टेलीविजन के ऊपर उसको याद आता है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है, उत्तर प्रदेश में किसानों के भी मुद्दे हैं, नीट का भी मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसके बाद भी इनको नीट का मुद्दा दिख रहा है। अरे भाई साहब, एक ही रट को रटने से थोड़ी ना काम चलेगा। अभी तक बता रहे थे योगी आदित्यनाथ को भाजपा हटा देगी, बदल देगी, 2017 की बात करते हैं कि मनोज सिन्हा जी प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले थे, मनोज सिन्हा जी मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले थे, कल कह देंगे मनोज सिन्हा जी अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले थे। अरे आपको कैसे पता क्या शपथ लेने वाले थे, कौन नहीं लेने वाले थे? उनका नाम घोषित हुआ था क्या? और 2017 की बात आज क्यों लेके आ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, और आज शिरीन जी इस पे डिबेट भी कर रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जी मजबूती से क्या नाम है बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी विश्वास उनके नेतृत्व में है। अब भैया बात करो किसानों के मुद्दे की, बात करो युवाओं के मुद्दे पर की, जी, जो क्योंकि यहां विपक्ष पर का काम वही है कि ये पार्टी के भीतर मंत्रियों को और दूसरे नेताओं को भी समझाने की जरूरत है। यही वजह है ना कि आज सब लोग दिल्ली में और ये बैठक हो रही है और तमाम जो बातें निकल कर आ रही हैं, ये मैसेज एक आया है ना कि हाईकमान भी इस तरह की बयानबाजियों से, इस बगावत से खुश नहीं है, तो मौका तो आप ही की तरफ से मिल रहा है ना। हाँ, 10 सेकंड देखिए, मोती सिंह जी का भी नाम आया, तो मोती सिंह जी का तो एक बयान तो चलिए हम सब ने सुना, परंतु दूसरा बयान पता नहीं क्यों नहीं सुना किसी ने। दूसरा बयान भी उन्होंने टेलीविजन पे ही दिया था, जिसपे उन्होंने कहा था कि मेरे बयान को मिसकोट किया जा रहा है। अब जिस व्यक्ति ने बयान दिया वो खुद ही कह रहा है मेरे बयान को मिसकोट किया जा रहा है, और जब बात बिगड़ जाए तो उसे इस तरह से। अब आपने सवाल उठा लिया ना, ठीक है रोहित जी, आपने कहा विपक्ष क्या कर रहा है, मैं पूछ लेती हूं, ठीक है परंतु जो विपक्ष समझ रहा है, जो यहाँ पंकज जी समझ रहे हैं, मैं उसके लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूँ। मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ पंकज जी उसको कहने लग जाए ना, अब मैं जवाब ले लूँ, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा ना, फिर जवाब ले लेती हूँ। मनोज काका जी पूछ रहे हैं यहाँ पर रोहित की, विपक्ष सिर्फ टीवी पर बैठकर एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही सिर्फ इस तरह की बातें करेगा, या वाकई अगर कुछ है तो उसके लिए आप लोग किसी तरीके का विरोध करेंगे,
सवाल ही उठाएंगे या आवाज भी उठाएंगे कहीं पर? नहीं, जो रोहित पूछ रहे हैं, रोहित को क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि रोहित ने जीवन में कभी अपने कभी न सड़क देखा होगा, न खेत देखा होगा, न खलिहान देखा होगा। ऐसे सतही लोगों के बातों का जवाब देना मैं बहुत मुनासिब नहीं समझता हूं। आप हमारे एक्स पे भी चले जाइए और रोहित के भी एक्स पे चले जाइए, इनकी फॉलोइंग देख लीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं की देख लीजिए, हमारी देख लीजिए, कितना गांव की है, कितना हमने संघर्ष किया है, लाठियां खाई है, और इनकी भी देख लीजिए। आप चुप हो जाओ भाई, भाई चुप हो जाओ, हमारी सुन लो, तुमने कितना गांव देखा है, तुमसे मैं खेती के तीन सवाल पूछ दूं तो कुछ नहीं आएगा। अब तुम्हें कीर्तन गाना है तो गाते रहो। अच्छा रोहित, एक मिनट सुन लेते हैं पहले, मनोज का अगर कहना क्या चाह रहे हैं, एक मिनट सुन लेते हैं रोहित, एक सेकेंड रोहित प्लीज, एक बार सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आप काउंटर का मैं मौका दे दूंगी आपको। अपने घर पे लगाई थी वो बंद करती और जो उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की बात है, चुप हो जाओ यार, तुम्हें कुछ नहीं आता मैं जानता हूँ, आराम आराम से भी नहीं आ रही। रोहित अग्रवाल जी प्लीज, रोहित जी एक सेकंड, आप दोनों बोलेंगे ना कोई सुन नहीं पाएगा, आराम से एक सेकंड। उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की बात है, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात एक बलिया जनपद है जो बिहार से सटा हुआ है, और बलिया जनपद में स्वयं एडीजी जोन बनारस जा करके जब देख रहे हैं तो वहां जानते हैं भ्रष्टाचार में कौन कौन शामिल, वहां का कप्तान, वहां का डीएम, वहां का एसएचओ, और उससे ऊपर की बड़ी बात है कि उस भ्रष्टाचार में इस सरकार के मिनिस्टर तक शामिल। जो मोती सिंह जी का जो बात हो रही, उनका कोई एक दिन का राजनीतिक जीवन नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, उसमें कैबिनेट मंत्री रहे। उन्होंने कहा कि 45 सालों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी उत्तर प्रदेश में, हर जनपदों में हत्याएं हो रही हैं, जिला अधिकारी कार्यालय हो, चाहे डीएम, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो थाना हो, हर जगह वसूली हो रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है कि पुलिस ने पुलिस को डकैती करते हुए पकड़ा है इसी उत्तर प्रदेश में। और सिर्फ ये अगर बात आई है कि योगी जी ही परमानेंट रहेंगे, तो उत्तर प्रदेश के दलितों, उत्तर प्रदेश के बहुजनों को ये जान लेना चाहिए कि जो सरकार ने फैसला लिया है, जो भारतीय जनता पार्टी में बहुजन वर्ग के लोग हैं, चाहे वो कुशवाहा हों, चाहे वो पटेल हों, वो सबको ये जान लेना चाहिए, चाहे वो राजभर हों, सबको ये जान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी संवैधानिक मान्यताओं और मूल्यों को तरजीह नहीं देती है। उसके मूल में सावरकर हैं, जो बंच ऑफ थाट लिखते हैं, जो एम एस गोलवरकर हैं, जो लिखते हैं वी आर अवर नेशनहुड डिफाइन, जिसमें हमेशा लोगों को बांटने का काम किया जाता है, और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था कैसे बनी रहे, कैसे जाति श्रेष्ठता बने रहे, सबका वोट ले लेना है, लेकिन विश्वविद्यालयों में भर्ती होगी, टीचर की भर्ती होगी, शासन में भर्ती होगी, तो सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने जाति के लोगों को बनाए और बचाए रखना चाहते हैं, और उसी पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मोहर लगा दिया, क्योंकि आरएसएस तो इस देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर कभी चलना नहीं चाहती, वो तो मनुवाद लाना चाहती, वर्ण व्यवस्था लाना चाहती है। मनोज जी, तो ये तो अच्छा हुआ है, दूसरे ट्रैक पर इसको लेकर जा रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले जब इस बात की चर्चा हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, तब आप ये कह रहे थे कि देखिए योगी जी अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे हैं, अब आप दूसरी तरफ इसको लेकर जा रहे हैं। हम आज भी ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे, 27 का चुनाव आएगा, अभी बाई इलेक्शन देखिएगा, पहले अभी की तो बात कर रहे हैं, अभी अगर उत्तर प्रदेश में सांसदों की संख्या के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है, और अगर अभी वोट के हिसाब से देखें वो तो केंद्र की सरकार को आप लगातार कह ही रहे हैं, सारी सीटें हार जाएगी। ठीक है, मैं आती हूं आपके पास। उत्तर प्रदेश का बहुजन और पीडीए के लोग जान गए कि उनके अवधारणा को और उनके संख्या के हिसाब से शासकीय, शैक्षणिक और विश्वविद्यालयों में हर जगह अगर भागीदारी कोई देगा तो अखिलेश यादव की पीडीए की अवधारणा देगी, और सभी लोग मैं आपसे बता रहा हूं जो जमीन पे है। एक मिनट, आज मैं जमीन पे बता रहा हूं आगे आप, क्योंकि आप बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं, देखिए मेरे बाकी मेहमान भी तो है ना, उनसे भी मुझे बातचीत करनी है, रुक जाइए विजय जी, आइए प्लीज। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी पार्टी का वरिष्ठ पत्रकार है, उनका एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक मैसेज जो अभी जो कह रही है लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि देखिए नुकसान किसका हुआ, नुकसान तो जनता का हुआ ना, तो क्या ये नैरेटिव सेट करने में विपक्ष कामयाब हो गया, क्या भले अब उस चीज को ठीक करने की, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही हो? बिल्कुल शिरीन साहब, शिरीन जो मनोज जी कह रहे हैं वो सब बात ठीक है कि नुकसान तो जनता का ही होता है, जब भी पार्टीज में इस तरह की लीडरशिप को लेकर क्राइसिस होता है तो वो नुकसान फाइनली जनता का होता है, बल्कि जो समझ लीजिए कि पिछले 1.5 महीने से
मोटे तौर पर कोई उत्तर प्रदेश में सरकार उस तरह से नहीं चल रही जो काम होना चाहिए। रेगुलर जो काम हो रहा होगा लेकिन सरकार का ध्यान उस पर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं और दो दो उप मुख्यमंत्री जब कैबिनेट बैठक में नहीं जा रहे तो किस तरह से काम चल रहा होगा, किस बात को वो आगे बढ़ा रहे होंगे। लेकिन ये एक सामान्य प्रक्रिया सी होती है। अब भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि वो कैसे इस लीडरशिप क्राइसिस को खत्म करे। मुझे एक तो ये बात समझने, क्या बीजेपी अभी डिनायल मोड में तो नहीं है? अश्विनी जी बता सकते कि वो ये कहेंगे नहीं कोई संघर्ष ही नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है, तो एक डिनायल मोड होता है, या समझते हैं कि ये एक संघर्ष चल रहा है, एक स्ट्रगल चल रहा है, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि सब जगह स्ट्रगल चलता है। अभी पिछले दिनों आप देख रहे थे राजस्थान में कांग्रेस में चल रहा था, अशोक जी के बीच में, सचिन जी के बीच में, मध्य प्रदेश में चल रहा था, और पंकज जी ने अच्छा याद दिलाया बीजेपी को सीखना चाहिए कांग्रेस से, भाई यदि अध्यक्ष को यदि मौका नहीं देते तो क्या होता है। राजस्थान में कांग्रेस में 2-3 साल चलता रहा, सचिन जी अध्यक्ष थे वहाँ पर। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी विदाई हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस से सीखे कि क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ऐसे जंक्चर पर आ गई है पार्टी जहां उनको डिसाइड करना। अभी तो खैर जो बैठक हो रही है बीजेपी ऑफिस में वो मुख्यमंत्रियों की और उप मुख्यमंत्री की वो दूसरी बैठक है, इसके बाद जो पार्टी लीडरशिप है वो चीफ मिनिस्टर के साथ या डिप्टी, ये भी अच्छी बात है कि कम से कम 1.5 महीने बाद तीनों लोग साथ तो बैठ रहे हैं, ये तो 1.5 महीने से साथ भी नहीं बैठ रहे थे, हाँ। तो वो साथ बैठ रहे हैं और अब पार्टी लीडरशिप आगे किस तरह से तय करती है। मुन्ना जो अपने मनोज जी हैं उनके लिए तो फायदेमंद बात यही है कि जो केशव मौर्य जी हैं वो डिमोनाइज हों, हाँ। क्योंकि उनका झगड़ा तो उनके साथ ज़्यादा है। यदि केशव मौर्य जी को पूरा मौका या सम्मान नहीं दिया अश्विनी जी की पार्टी ने तो मनोज जी के लिए बहुत फायदेमंद बात होगी, क्योंकि वो तो पीडीए की लड़ाई पूरा इलेक्टोरल जो अभी फाइट चल रही है वो तो पीडीए को लेकर चल रही है ना, तो केशव मौर्य को लेकर ही, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब तय करना है कि केशव मौर्य जी के लिए क्या करना चाहती है पार्टी, अगर योगी आदित्यनाथ जी के बनाए रखना चाहती है। ठीक है मनोज जी, छोटे में अपना जवाब दीजिएगा, फिर अश्विनी जी आपके पास आती हूँ। हाँ। नहीं नहीं, मैं बहुत छोटे में दे रहा हूँ। देखिए जो मैंने बात कही और जो उत्तर प्रदेश का 25 करोड़ जनमानस कर रहा है, जो देश का 140 करोड़ लोग है, कि कभी भी दलितों पिछड़ों और बहुजनों के किसी भी तरह के हक के, चाहे वो शासकीय हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, बीजेपी उसके पक्ष में। मैं जिस जनपद से आ रहा हूँ उस जनपद में भी, चंदौली में भी आज डीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, थाने पर कहीं भी कोई न्यायिक व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ सामंती लोग अपने कब्जे में लेकर के डीएम कार्यालय से लेकर के थाने चला रहे हैं, जिससे आम जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत रोष है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में मैं बता दूं आपसे, 2016-17 की भर्तियां बीडीओ की, अभी आज तक उसके पेपर, अभी आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया, लड़के भटक रहे हैं। 2021 की दरोगा भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 लोग थे, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की हालात ये है। सरीन जी, सरीन जी, सरकार हमारी चल रही है उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे और ये विरोधी पक्ष के लोगों को इतना समय, 5-7 ये उचित नहीं है, ये बराबर का मौका नहीं है। नरेंद्र मोदी के संसदीय उंगली उठा रहा हूँ और मनोज काका, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का फैला रहे हैं। एक मिनट, आ रही हूँ आपके पास, कोई भ्रम नहीं फैला रहा है, सबकी बारी आ रही है, सब बोल रहे हैं, अब आप बोलिए आपकी बारी है। और जो विजय जी ने बोला कि क्या डिनायल मोड में नहीं है, क्योंकि लग तो यही रहा है कि इस वक्त बीजेपी डिनायल मोड में दिखाई दे रही है साफ तौर पर, ये मानने को ही शायद राजी नहीं है कि किसी तरह का कोई संघर्ष था। नहीं, कोई कोई डिनायल मोड नहीं है, हम लोग पहले भी कंफर्म थे, हमारी हमारे संगठन में ताकत है, हमारे सरकार में मजबूती है, हमारे नेताओं में एक एकरूपता है। और विजय जी मैं कहना चाहता हूँ, 20 दिन पहले सब लोग बैठे थे, प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी। दूसरी बात, ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, बड़ा दलितों का काम कर दिए, पीडीए का काम कर दिए, प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने, किसने खत्म किया? बड़ा दलितों का पक्ष ले, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए मनोज काका, मैं रुकिए जरा, प्याज की परत खोलने दीजिए ना, प्याज की परत खोलने दीजिए, बीच में बोल कर जो है सिरिन जी, आप आरक्षण जी, इनसे तेज में तेज, इनसे तेज में क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि चिल्लाता है मनोज काका, चिल्लाएंगे क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया मनोज काका, एक एक करके अश्विनी जी नहीं बोलेंगे। देखिए सिरिन जी, तीर सीने पे लगता है ना, कहीं जगह पे तो इसे बिलबिलाहट होती तो मनोज काका बिलबिलाएंगे,
के में मैंने नहीं बोला, बिल बिला तुम रहे हो, मैं अच्छा ठीक है ना, अरे तुम क्या होता है भाई, तुम क्या होता है, तुम हो, तुम क्या होता है भाई, आप टीवी चैनल पर हैं, कोई आपसी बातचीत नहीं हो रही है, मैं जो पूछ रहा हूँ क्या होता है, तुम क्या होता है मनोज काका, मनोज जी एक मिनट, अरे तुम क्या होता है, चलो सुनो ना भाई, सुनो अब तुम सुनो, अब तुम सुनो, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, आपके पास क्या, थोड़ी देर में पहले अश्विनी जी का समय, उन्हें पूरा करने दीजिए, वो कहना क्या चाह रहे हैं सुनने तो दीजिए, चिल्लाओ मत, तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है, भर्ती में अड़सठ हजार लोगों को न्याय क्यों नहीं दे पाए, बोलोगे सुनो सुनो क्यों नहीं न्याय दे पाए, आप बताओ, सुनो चिल्लाओ मत, तुम बाधा यूनिवर्सिटी में भर्ती हो जाएंगे भाई मनोज जी, आप लोगों को रख दिया क्यों नहीं, क्यों नहीं दलितों पिछड़ों की बात की, कितने कितने यादवों को थाने में आपने भर्ती किया था, कितने से अनिल यादव, किसी को नहीं किया था, सिर्फ जो है बोलता सिर्फ भर्ती करता, अनिल यादव कौन था, सदन के पटल पर हम लोग सिर्फ यादव की भर्ती होती थी, सिपाहियों में यादव की भर्ती, कई भी यादव की भर्ती करते थे भाई, आप उत्पादन ही जाति के नाम पर हुआ है, पार्टी सिर्फ जाति के नाम पर पैदा हुई है, आपकी पार्टी नहीं पाएगी, मैं आप दोनों को मैं रोकती हूँ, नहीं आप दोनों चुप होने को राजी नहीं है, सुनने को राजी नहीं है, मैं दोनों को रोक रही हूँ, पंकज जी आप आइए, क्योंकि आपसे सरकार ये पूछ रही है, बीजेपी सीधे सीधे आप लोगों पर कि आप लोग दरअसल भटकाने फैलाने की कोशिश, समाजवादी पार्टी वाले अश्विनी जी मैं आती हूँ, हम लोग तो हम लोग प्लीज थोड़ा धैर्य बना के रखिए, हम लोग तो दर्शन सब लोग साथ में बोल, अश्विनी जी अब थोड़ा आवाज इतनी खत्म करें तो बोले श्री जी, हम लोग तो दर्शन दीर्घा में, अश्विनी जी आ रही हूँ एक मिनट, पंकज जी को सुन लो फिर आती हूँ, देखिए हम लोग तो दर्शन दीर्घा में, सरकार उनकी है और मैं ठीक है आती हूँ, मेडिकों के साथ आ रही हूँ ना अश्विनी, अब वही काम आप भी कर रहे हैं ना, फिर फर्क क्या रह जाएगा, मैं आती हूँ ना एक मिनट, पंकज जी जल्दी पूरा कीजिए, अब अश्विनी जी ने, अश्विनी जी फर्क हमसे देखा जाए, मैं दोनों को रोक रही हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा धैर्य रखे अश्विनी जी, आती हूँ, मैंने दोनों को रोका, मैंने बिल्कुल दोनों को रोका, अश्विनी जी ने सिद्धांत बता दिया कि सरकार उनकी है और उनको मौका नहीं दिया जा रहा, मतलब कोई बात नहीं, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि आला कमान की जो भी बात हो रही कि आला कमान अब इससे नाराज है, सवाल है कि विजय जी बहुत तगड़ी नजर रखते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, क्या बिना आला कमान के इशारे के केशव प्रसाद मौर्य डेढ़ महीने से जो कुछ कर रहे हैं वो कर सकते हैं, क्या वो संभव है, क्या वो संभव है कि जो दो दो डिप्टी सीएम हैं वो अगर मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं, मीटिंग्स में नहीं जा रहे हैं, तो आला कमान का उन्हें क्या कोई समर्थन नहीं प्राप्त है, मेरा ये मानना है कि सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए आला कमान, ये क्या बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये नालायक कहाँ से आ रहे हैं, गालो साहब अरे साहब आप अरे सुन लीजिए, आप बोल दीजिएगा, आप आपको राजस्थान पे बात करनी तो इसके बाद बोल दीजिएगा, मैं अपनी बात समाप्त कर लूं, मैं तो चुप था, आप मनोज काका झगड़ा कर रहे थे, मैं तो चुप ही था भाई, तो मुझसे गुस्सा निकाल रहे हैं, देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, कांग्रेस के नेता हैं, उनको अब देखिए परेशानी हो गई, मैं आती हूँ, आप चवन्नी है पलट जाते हैं, क्यों आप परेशान हैं, आपकी बात को वाकई कोई गंभीरता से नहीं लेगा, कोई तो आता नहीं सुनने, रोहित जी शांत रहिए, पंकज जी हाँ, रोहित जी शांत रहिए, अपने अपने मुद्दे पे बोलिए, अपने मौके पे बोलिएगा ना, कहाँ परेशान है, रोहित अभी अभी एक मिनट पंकज जी पूरा कर लें, फिर अश्विनी जी की बारी है, क्या बात किया जाए, बताऊंगी आपके पास, बोलिए जल्दी पूरा कीजिए, देखिए मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, इनके अंदर का मसला है, कौन सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा हमारा कोई लेना देना नहीं, उत्तर प्रदेश में जनता को जनता के हित में काम हो, करप्शन ना हो, महंगाई कम हो, जो तमाम नौजवान एग्जाम देते हैं उनके रिजल्ट नहीं निकलते हैं उस पर काम हो, इसकी जगह अगर ये सब खबरें चल रही हैं तो वो आला कमान की ही ओर से इशारा था, और आज आला कमान को लग रहा है कि उन्होंने जो बना दिया है कि एक बहुत बड़ा जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का चेहरा, अगर आप उस अपने कट्टर हिंदुत्व के एक चेहरे को कमजोर करते हैं तो आपको नुकसान होगा, आला कमान की ओर से हो रहा है, अकेले नहीं हो रहा, जवाब देते हैं अश्विनी जी, पहले आप आइए फिर रोहित आपके पास आती हूँ, ये आला कमान को सब कुछ मालूम था कि क्या हो रहा है, ऐसे ही कोई दिल्ली नहीं पहुंच जाता, ये कह रहे हैं यहाँ पर पंकज जी, देखिए दिल्ली में आज पूरे देश के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासक और उप मंत्रियों की बैठक है, ऐसे कोई दिल्ली कहाँ पहुंच गया है, दिल्ली अगर हम देश में हमारी सरकार है तो हमारे मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे तो क्या पंकज जी के नेता जाएंगे यहाँ से या अखिलेश यादव जी जाएंगे, ये तो चीजें इन लोगों को सोचना चाहिए, कहीं कुछ ऐसा नहीं है,
वो नालायक कह रहे थे ना गहलोत साहब, जो अभी विजय जी ने अच्छा याद दिला दिया, धन्यवाद विजय जी का, वो कह रहे थे पायलट साहब को नालायक। यहाँ पर कुछ हुआ, G23 का याद दिलाया, कपिल सिब्बल साहब के घर कैसे पत्थर चले थे वो याद आया, कांग्रेस अपनी चीज देखे, समाजवादी पार्टी चाचा को किस तरीके से हत्थे पर बैठाती थी वो देखे, अभी कुर्सी और उसकी बात हो रही थी। मैं वही कहना चाहता हूँ, देखिए सबकी कलाई खुल रही है, अभी संविधान की बात करते हैं लोग, संविधान देखिए, अभी हमारे एक सांसद ने बड़ा अच्छा मांग किया और उनकी मांग पर काम भी हो रहा है, शाह कमेटी की रिपोर्ट जो है सार्वजनिक करने की बात की गई है, एक प्रति बच गई है कहीं, और जब सार्वजनिक हो जाएगा तो सब समझ में आएगा कितना दलितों के साथ, कितना लोगों के साथ उत्पीड़न हुआ है देश में 75 के बाद, 75 इमरजेंसी में सब पता चल जाएगा। तीसरी बात, एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में हमारे विरोधी दल है, ये इतना कह रहा है कि हम तो भाजपा अल्पमत में है उत्तर प्रदेश में, 3 सीट कम है, 41% वोट है, आपका 33% वोट है, तो आप बहुमत में हो गए हैं और हमको अल्पमत में कह रहे हैं। सरकार देश में जनता ने भारतीय जनता पार्टी NDA की बनवाई है, आप लोगों को विपक्ष में चिल्लाने के लिए छोड़ दिया है कि हम लोग बोले तो आप लोग हुआ हुआ करें, हुआ हुआ सरकारी छोड़े जाते थे ना शाम को जो बोलते थे वो वाला काम आप लोग करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी हो चाहे राहुल गांधी जी, मैं लूंगी, मैं मनोज काका मुस्कुरा भी रहे, लेकिन उससे पहले रोहित आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मनोज काका आपकी बारी है। रोहित परमिशन तो एक, हाँ सर बोलिए ना, जी से जानना चाहता हूँ, बहुत पार्टी के बारे में जानते हैं, सरकार के बारे में, केशव मौर्य जी ने चिट्ठी लिखी थी चीफ मिनिस्टर को, सीएम साहब को, संविदा और उसमें नौकरियों में जो पिछड़े लोगों को नहीं मिल रहा, रोहित कुछ ऐड कर रहे हैं वो, अश्वनी, एक मिनट रुक जाइए, अश्वनी जी को पता होगा कि सीएम साहब ने जवाब दे दिया है क्या, ठीक है, हाँ बोलिए आप, रोहित बोलिए, मैं जवाब दे दे रहा हूँ, एक मिनट अश्वनी जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप बोलिए ना, अब एक मिनट रोहित से बात कर लेते हैं। देखिए शिरीन जी, हमारा विपक्ष कितना अधीर हो चुका है ये तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को पता है कि हम कहीं मंच लगाएंगे तो 4 आदमी सुनने नहीं आएंगे, तो कम से कम डिबेट में ही अधिग्रहण कर लें, कम से कम डिबेट में ही कब्जा कर लें, किस तरीके से बौखलाहट दिखाई पड़ रही है, सत्ता की भूख दिखाई पड़ रही है। 2017 मैंने अनेकों बार तुम्हारे संवादों में यह भी सुना है कि तुम्हारे घर के लोग भी RLD को वोट नहीं देते, तुम कसम खा के एक बार हमसे कह रहे थे, लिफ्ट में मुझे याद है कभी मिलते थे तो, घर और परिवार पर आ गए, जैसे सांप को पा लिया वो तो मैं जानता हूँ। अच्छा मनोज जी एक मिनट रुक जाइए, पिताजी की कसम खा के पूरा कर ले फिर आप जवाब दे दीजिए, वो उनके घर का मामला है ना मनोज का, वो घर का मामला है छोड़ दीजिए, मैं जानता हूँ, आप सुनो मनोज जी प्लीज, आप एक मिनट तुम्हारे मनोज काका, एक मिनट, ये ऐसे नहीं होती ना डिबेट, मनोज काका प्लीज, आप बिना रुके बोलते रहेंगे तो दूसरे सुन नहीं पाएंगे आपको, मैं भी नहीं सुन पा रही हूँ आपको, रोहित को पहले सुन ले फिर आपके पास आते हैं। शिरीन जी जब समाजवादी पार्टी में है ये भी सब जानते हैं, एक मिनट अश्विनी, एक मिनट देखिए मनोज काका, तुम्हारी क्या औकात और क्या हैसियत समाजवादी पार्टी में, ये गलत बात है, और तुम्हारी क्या, मैं आपको इस तरह के शब्दों के लिए यहाँ पर प्लीज अलाउ नहीं कर सकती रोहित, थोड़ा सभ्य तरीके से थोड़ा दायरे में रहकर बात कीजिए तो बेहतर होगा, नहीं इस तरह की भाषा नहीं, आप किसी भी मेरे मेहमान को इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते, सॉरी आप इस तरह की भाषा मत इस्तेमाल कीजिए, वो मुझे टारगेट करते हैं अराजकता फैलाने डिबेट इस तरह के शब्दों का, बिल्कुल मैंने रोका उनको और इसके लिए आपको भी रोकूंगा। देखिए समाजवादी पार्टी वाली पूरी तरीके से सत्ता की भूख इतनी ज्यादा है क्योंकि इनकी अराजकता चल नहीं रही है, इनके जो भैया जी वाला जो एक कॉन्सेप्ट बना रखा था इन्होंने उत्तर प्रदेश में वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, तो समाजवादी बौखला चुकी है पूरी तरीके से, इनकी लूट खसोट भ्रष्टाचार और जो सौदेबाजी होती थी कहीं ना कहीं भर्तियों में, इनके यहाँ जिस तरीके से एक लिस्ट निकलती थी भैया जी के यहाँ से और एक लिस्ट निकलती थी चाचा जी के यहाँ से, और अभी तो झगड़ा चालू है अखिलेश यादव जी के लखनऊ विधानसभा से जाने के बाद, अब तय नहीं कर पा रहे नेता कौन बनेगा, चाचा को नेता बनाने को तैयार नहीं है, जो शिवपाल जी जिन्होंने इस पार्टी को सींचा उसको नेता बनाने को तैयार नहीं है विधानसभा के अंदर, और अभी तो विधान परिषद की एक लिस्ट दी गई जिसमें कहा गया दलित चेहरे को बनाएंगे नेता, परंतु नेता का कॉलम खाली छोड़ दिया क्योंकि दलित से नफरत है समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी दलित का वोट तो चाहती है पर दलित को हिस्सेदारी देने की जहां बारी आती है वहां समाजवादी पार्टी बौखला जाती है। राष्ट्रीय लोकदल ने पहले दलित को मंत्री बनाने का काम किया, पश्चिम उत्तर प्रदेश से कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम किया, हम सम्मान करते हैं, हमारा सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी सम्मान करता है दलितों का, पर
समाजवादी पार्टी खुली राजनीति कर रही है दलितों के नाम। चलिए अब मैं जवाब लेती हूं, अराजकता की स्थिति देखिए मनोज काका जी, मतलब परिवार में तो आपके भी बड़ी संघर्ष है। जवाब चाहिए एक लाइन का जवाब, बहुत स्पष्ट, एक लाइन बहुत स्पष्ट। एक मिनट दीजिए, आपके पास किसी भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उस सरकार के उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को यह लेटर लिखा कि आपके ऑफिस से लेकर के और जिले में आरक्षण की क्या व्यवस्था है, मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया। निश्चित रूप से जब उप मुख्यमंत्री ही जानते हैं कि दलितों पिछड़ों की हिस्सेदारी योगी आदित्यनाथ की सरकार में कहीं नहीं हो सकती, उसमें सिर्फ टीका लगाने वाले और उच्च के सिर्फ दो ही जातियों को उसमें हर तरह की भागीदारी मिल सकती है, तो यह 90% समाज जानता है। और अभी अनुप्रिया पटेल ने क्या लेटर लिखा, उन्होंने तो साफ ये लिखा, उन्होंने भागीदारी का किन लिखा, कुछ उन्हीं की पार्टी का बता रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने साफ लिखा, आप नहीं बताएंगे, वक्त का मेरे पास अश्विनी जी जल्दी से, दलित पिछड़ों की कहीं कोई किसी भी विभाग में कोई भागीदारी नहीं है, तो ये ठीक है। अश्विनी जी जल्दी से, समय कम है। मनोज काका रोहित जी, देखिए अब ये सवाल किए हैं विजय जी ने, सवाल किया उसी पर जवाब दीजिए। दलितों पिछड़ों का और बहुजन विजय जी आपके लिए मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी 75% ओबीसी है और उसके बाद एससी है, यानी कि अब हम लोगों ने भर्तियों में कहीं गड़बड़ी दिखी थी, ये जवाब है हमारे उस पत्र का। जो मुहिम है 600 और ये अच्छा होगा, और इसी में वक्त निकल जाता है ना, आप अपनी बात कह पाते हैं ना, आप दूसरों को सुन पाते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हुंकार में आज के लिए फिलहाल नहीं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।